जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नोट शेयर करने जा रहा हूं। ये नोट्स आइडियलिज्म पे बनाया गया है, इंग्लिश में बनाया गया है ये नोट्स, एंड विच हैज़ बीन रिटन बाय प्रीति एंड सी इज द स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ द कॉलेज विच इज एफिलिएटेड टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। सो दिस नोट्स इज ऑल अबाउट आइडियलिज्म, आदर्शवाद पे ये नोट्स बनाया गया है। जस्ट टेक अ लुक, कितनी बेहतरीन नोट्स है ये। आप भी इसे रिव्यू करें, मैं भी इसे रिव्यू करता हूं और एक्सप्लेन करेंगे कि इस नोट्स में उन्होंने लिखा गया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडिंग से। यहाँ पे आइडियलिज्म की बात हो रही है, आदर्शवाद की बात हो रही है, और यहाँ से शुरुआत किया गया इसके अर्थ के साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, आइडियलिज्म इज एन ओल्ड फिलोसफिकल थॉट। आदर्शवाद एक प्राचीन दार्शनिक विचार है, दर्शन शास्त्र है। इट इंसेप्शन वॉज टेकन फ्रॉम अ वेरी अर्ली टाइम्स वेन मैन बिगेन टू थिंक। इसकी शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी प्राचीन समय में इसकी शुरुआत हुई, जब इंसानों ने अपनी सोचना विचारना शुरू किया था, तब आदर्शवाद की शुरुआत हुई थी। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इस नोट्स की शुरुआत हुई है। आगे देखिए, इस नोट्स का जो मेन पॉइंट्स है आइडियलिज्म का, यहाँ पे लिखा गया है कि द वर्ड आइडियलिज्म हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम आइडिया। आइडियलिज्म का वर्ड आइडियलिज्म आइडिया के वर्ड से लिया गया है, या आइडिया के शब्द से इसका ड्राइव किया गया, प्रतिपादन किया गया है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडिया थॉट माइंड एंड नॉट इन एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आदर्शवाद की मूलभूत सिद्धांत यही है कि आदर्शवाद कहता है कि आदर्शवाद ये कहता है कि जो हर एक चीज़ की वास्तविकता है वो आपके आदर्शों, आपके विचारों और आपके मस्तिष्क पर निर्भर करती है। आपके ख्याल, आपके विचार, आपकी सोच पर डिपेंड करता है आदर्शवाद। आदर्शवाद मानता है कि मटेरियलिस्टिक जो पदार्थ वस्तु चीज़ें हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आदर्शवाद का मानना है कि हर एक चीज़ आपके आदर्श, आपके विचार, आपके मस्तिष्क, आपकी सोच पे निर्भर करता है। भौतिक जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, भौतिक वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों आइडियलिज्म का, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ एवरी थिंग्स लाइज इन आइडियाज थॉट माइंड एंड नॉट इन द एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। काफ़ी अच्छा नोट्स दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं, इट वॉज प्रोपाउंडेड इन मॉडर्न वर्ल्ड बाई सुकरात एंड प्लेटो द ग्रेट फिलोसोफर। इसका प्रतिपादन, इसकी शुरुआत मॉडर्न वर्ल्ड में सुकरात और प्लेटो के द्वारा किया गया था। और हिंदुस्तान में इन इंडियन फिलॉसफी इट वाज बॉर्न फ्रॉम वेदास, उपनिषद एंड पुराण। यानी कि भारतीय फिलॉसफी में इसका जन्म वेदा, उपनिषद और पुराणों से लिया गया था। अब देखिए इसका जन्म हुआ था, अब इसको आगे किसने बढ़ाया था, इस आदर्शवाद की दार्शनिक शास्त्र को महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अर्थ में यहाँ पे कवरअप कर ली गई है। अब आइए चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ, इसकी परिभाषा की तरफ। इसकी परिभाषा में यहाँ पे बताया गया है, एक परिभाषा लिया गया है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू, अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। जो आपका वास्तविक सच्चाई है ना, वो आपके विचारों का कंसिस्ट है, आपके विचारों का संग्रह है। आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपके विचार किसी अन्य वस्तुओं से सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। दे आर इटर्नल एंड अनचेंजिंग। आपके आदर्श, आपके विचार यही सर्वशक्तिमान है, यही सर्वशक्ति है, और ये अनचेंजिंग है, ये कभी बदलने वाले नहीं है। एक व्यक्ति के आदर्श कभी बदलते नहीं है। तो काफी बेहतरीन यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया, सॉरी डेफिनेशन दे दिया गया आदर्श बात का प्लेटो के अनुसार, कि जो अल्टीमेट सच्चाई है वो आदर्शों का संग्रह है। द अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एंड दे आर इटर्नल एंड अनचेंजिंग। ओके, बात हो गई यहाँ पे। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया गया है आदर्शवाद को, कि आइडियलिज्म रिकग्नाइज किसका भाई, रिकग्नाइज आइडिया फीलिंग एंड द आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियलिस्टिक। आपके जो आदर्श विचार हैं वो मटेरियलिस्टिक से ज़्यादा महत्व रखते हैं और ऑब्जेक्ट, एंड इम्फसाइज दैट ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मॉरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखा गया है कि आइडियलिज्म किस पर एम्फसाइज करता है, कि इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार होना चाहिए, आपके मॉरल, आपके एथिकल और आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज के अनुसार आपका ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए। सो बेसिकली वी कैन डिफाइन आइडियलिज्म एज। तो आइए अंततः हम एक बार और इसको संक्षिप्त में संग्रह कर लेते हैं, आदर्शवाद के परिभाषा की और आदर्शवाद की अर्थ की। तो आइडियलिज्म इज दैट स्कूल ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफी विच कंसिडर, क्या कंसिडर करता है, दिस यूनिवर्स एज क्रिएटेड बाई गॉड। ये संसार भगवान के द्वारा निर्मित किया गया है, एंड एक्सेप्ट, आदर्शवाद एक्सेप्ट करता है द स्पिरिचुअल वर्ल्ड सुपीरियर टू द मटेरियल वर्ल्ड। आपकी आत्मशक्ति ये पदार्थिक जगत से, ये भौतिक जगत से ज़्यादा सुपीरियर है। इट कंसिडर गॉड एज ए अल्टीमेट रियलिटी। ये तो सत्य है भैया, आदर्शवाद ये मानती है कि भगवान जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो सर्वशक्तिमान है। और सोल जो आपकी आत्मा है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गॉड। ये सोल जो है भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान का एक रूप माना गया है यहाँ पे। तो जो आपकी सोल है, आत्मा है, भगवान के द्वारा दिया गया है और भगवान के पास
ना चला जाना है। यही आदर्शवाद की क्या है भाई, सिद्धांत है अल्टीमेट। ओके द पार्ट ऑफ ओके एंड प्रोपाउंड दैट अल्टीमेट, और ये बताता है। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको बना देता है। क्यों? अब यहाँ पे लिखा गया है propounds that, idealism propounds that ultimate aim of a human life is self-realization। जो वास्तविक सत्य है, जो उद्देश्य है इंसानी जीवन का, human life का, वो क्या है? self-realization है, स्व अभ्यास है, which can be achieved by following morals law। जो नीचे दिए गए morals नियमों के बाद ही आप self-realization, आप ultimate aim of human life achieve कर सकते हैं। इसको मैं क्यों appreciate कर रहा हूँ? क्योंकि नीचे की heading को इस ये line ने connect कर दिया, यहाँ जो पैराग्राफ है इसने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा गया है कि द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन विच कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मोरल्स लॉ। ये नीचे दिए गए फॉलोइंग मोरल्स लॉ के द्वारा द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ यू कैन अचीव। अब वो क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस बन गया कि वो क्या चीजें हैं जिसके द्वारा आप अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ अचीव कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं दोस्तों, आदर्शवाद का बेहतरीन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप स्वयं समझ जाएंगे हर एक पॉइंट को। तो वो क्या है भैया बताइए, वो क्या है मोरल्स लॉ जिसके द्वारा हम अल्टीमेट एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को अचीव कर सकते हैं? तो पहला देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपकी आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया जाए तभी आप इंसान के अल्टीमेट एम को अचीव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज, आपके आदर्श, आपके विचार को महत्वपूर्ण माना जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन एंड वुमेन, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कह सकते हैं आप, मनुष्य को आप महत्वता दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, आप अपने आध्यात्मिक वैल्यूज को आप महत्व दीजिए। और इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड, आप अपने शक्ति, मस्तिष्क शक्ति को आप महत्वता दीजिए। तो यही वो बिंदु है, यही वो मोरल लॉ है जिसके चलकर, जिस पे चलकर आदर्शवाद के अनुसार एक मनुष्य अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। वो क्या है भैया? स्पिरिचुअल वर्ड्स, आपके आइडियाज, आपके मैन एंड वुमेन्स, स्पिरिचुअल वैल्यूज और इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड। यही प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म है, यही सिद्धांत है आदर्शवाद के। ठीक है दोस्तों, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही चीज आप समझ चुके होंगे कि कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, काफी अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज का मतलब क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चाई, अच्छे इंसानियत, आपकी नैतिकता ही सबसे ज्यादा महत्व है। सत्यम शिवम सुंदरम, काफी अच्छा नोट्स बनाया गया दोस्तों। खत्म करते हैं इस वीडियो को, लास्ट बट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य यह होना चाहिए कि एक शिक्षक, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करे, भौतिक के साथ साथ मस्तिष्क भी उसका विकास करे, सोशल और कल्चर, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करे, मोरल और कैरेक्टर, नैतिक और उसका चरित्र डेवलपमेंट करे, क्रिएशन ऑफ एबल सिटीजन, एक योग्य नागरिक बनाए, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड विजडम, इंटेलेक्चुअल्स और विजडम का डेवलपमेंट करे, स्पिरिचुअलिज्म डेवलपमेंट करे, आपकी आत्मशक्ति का विकास करे। काफी अच्छा, काफी बेहतरीन, आई रियली अप्रिशिएट दिस नोट्स जिसमें आदर्शवाद के अनुसार ये उद्देश्य दिए गए हैं। दोस्तों खत्म करके वीडियो को, बस एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन कर दें कि आइडियलिज्म, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के करिकुलम क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए? तो देखिए, फिर से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मोरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये करिकुलम में मेंशन होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आइडियलिज्म के अनुसार एक शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, आदर्शवाद ने किस शिक्षण विधियों को माना? दैट इज डिस्कशन मेथड, मतलब डिस्कशन मेथड, वाद विवाद मेथड, लेक्चर मेथड, मतलब भाषण मेथड, क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्नोत्तर विधि, इमिटेशंस अनुकरण विधि, और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, ये शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। और आदर्शवाद में शिक्षक कैसे होने चाहिए, जैसे आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, है, तो एक आदर्शवाद के अनुसार एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए? देखिए, टीचर शुड एक्ट लाइक अ गाइड, एक गाइड की तरह आपको एक्ट करना है, एंड मेक स्टूडेंट रीच टुवर्ड्स परफेक्शन, और बच्चों को परफेक्शन की तरफ आपको पहुंचाना है। दे शुड हैव अ गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, एक शिक्षक और शिक्षिका को स्वतः एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा इंसान बनना चाहिए। दे शुड हैव अ गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, दे शुड हैव सेल्फ नॉलेज, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, उन्हें स्व एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए और स्पिरिचुअलिज्म की एक अच्छी गुण होना चाहिए। दे बिहेव और एक्ट लाइक अ आइडियल और रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट, एक शिक्षक को एक आदर्श और एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करना चाहिए, खुद को प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि उसको फॉलो करके आपके विद्यार्थी भी एक अच्छे नागरिक बने। तो चलो दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं, इस वीडियो को खत्म करेंगे। आइडियलिज्म इज द ओनली फिलॉसफी विच एम्फसाइज इंपॉर्टेंट ऑफ मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल कैपेसिटीज टू अटेंड कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंट, स्व सेल्फ कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। आइडियलिज्म ही एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जो इस बात पे जोर देता है, बल देता है कि मोरल, मेंटल और स्पिरिचुअल कैपेसिटीज, आपके मस्तिष्क, आपके नैतिकता और आपके आत्मा की क्षमताओं पर कार्य करना चाहिए। खत्म करते हैं इस वीडियो को, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दस वी कैन कंक्लूड दैट, हाउ यू कैन कंक्लूड दैट,
languages. Thus, we can conclude that need of idealistic education is the essential for peaceful living of a human being devoted to social good and national वेलफेयर. अतः वी कैन कंक्लूड, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट नीड ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज एसेंशियल्स. आइडियलिस्टिक शिक्षा एसेंशियल है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है किसके लिए, फॉर पीसफुल लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग डिवोटेड टू सोशल गुड एंड नेशनल वेलफेयर. जो लोग सामाजिक राष्ट्रीयता और अच्छाई की तरफ डिवोटेड हैं, उनके मन में ये भाव है, उसके लिए आदर्शवादी शिक्षा बहुत बहुत जरूरी है. बहुत ही अच्छा नोट, काफ़ी सराहनीय नोट्स बनाया इंग्लिश में, शॉर्ट बट बहुत ही अच्छा, हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप किया गया. आई रियली अप्रिशिएट योर नोट्स, वेल डन, गुड जॉब, एंड आई होप यू विल मेक मोर नोट्स ऑन द रिमेनिंग इज्म विच इज रियलिज्म, pragmatism and naturalism. I really appreciate your notes, and I request to all the viewers, just give us a feedback that how these notes is and how was my explanations. अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो वो भी कमेंट में बताइए, और बताइए कि इस नोट्स को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एक व्यूवर से, आप अप्रिशिएट करें ताकि ये नोट्स बनाने वाले को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, एंड दैट शी कैन मेक अ मोर एंड मोर मोर एंड मोर नोट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल कम बैक अगेन विद अदर अनदर नोट्स गाइज. वी हैव सो मेनी नोट्स, इवन वी हैव इन हिंदी ऑल्सो, हिंदी में भी हमारे पास नोट्स है, दैट वुड बी शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. Watching, don't forget to give us a feedback and don't forget to like, and if you haven't subscribed my channel, please click on the red icon and stay connected with us. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Bharat.